दोस्तों याद रहे YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। रेगिस्तान पूरी पृथ्वी के लगभग 33% यानी कि एक तिहाई हिस्से को कवर करते हैं और इतने बड़े और सुनसान होने के कारण इतना तो तय है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे राज पाए गए हैं जिन्होंने बाकी दुनिया को पूरी तरह से सन्न करके रख दिया है, चाहे वो इजिप्ट के पिरामिड हो या सहारा के कंकाल। इनमें से बहुत से राज अब तक राज ही हैं और इन्होंने सुलझने की जगह एक बड़े रहस्य को खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगिस्तान के ऐसे ही रहस्यों की जिनके बारे में जानते ही आप सन्न रह जाएंगे। नंबर 10, जायंट ऑफ द डेजर्ट। 1998 में साउथ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान से गुजरते हुए एक हेलीकॉप्टर पायलट ने एक इमेज को देखा। ये इमेज एक इंसान की थी जो कि 4 किलोमीटर लंबी थी। जब इस इमेज को देखा गया तो ये पाया गया कि ये ऑस्ट्रेलिया की जनजाति मारी से मिलती जुलती है और इसे नाम दिया गया मारी मैन। लेकिन गजब की बात यह है कि इतने बड़े और इतनी गहराई में गड्ढे खोदकर उकेरी गई इमेज के राइटर का अब तक पता नहीं चल पाया है। पास के गांव वालों का कहना है कि ये उन्होंने नहीं बनाई। मारी मैन को बनाने वाले की पहचान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने $5,000 का इनाम भी रखा है। नंबर 9, व्हील्स ऑन वोकेशन। रेगिस्तान ऐसी आखिरी जगह होगी जहां आपको शार्क, डॉल्फिन या दूसरे सी एनिमल्स के फॉसिल्स मिले। लेकिन साल 2010 में वैज्ञानिक सन रह गए जब उन्होंने इन फॉसिल्स को आटिकाटा के रेगिस्तान में देखा। ऐसा माना गया कि ये फॉसिल्स सुनामी के कारण यहाँ तक आए थे, लेकिन बाद में हुई डिस्कवरी से ये पता चला कि ये किसी सुनामी या किसी और प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं हुआ, ये हुआ समुद्र के कारण। जिस जगह से ये फॉसिल्स मिले वहां से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र मौजूद है और वैज्ञानिक कहते हैं कि ये समुद्र पहले उसी जगह पे था जहाँ से फॉसिल्स मिले हैं। लेकिन ये बात काफी हद तक हैरान करती है, क्योंकि समुद्र अगर वापस आता तो निश्चित तौर पे उसके साथ बाकी जीव जंतु भी वापस आते और डेफिनेटली ये अचानक तो नहीं होता। इस पर आगे रिसर्च से ये पता चला कि समुद्र आगे नहीं आया, सी क्रीचर्स को किसी टॉक्सिक प्रोडक्ट से मार दिया गया था। बाद में उन्हें नहर के जरिए उस जगह लाया गया था जहां अब रेगिस्तान है, हालांकि ऐसा क्यों कोई नहीं जानता। नंबर 8, डेजर्ट डिजास्टर। साल 2012, ये वो साल था जब पूरी दुनिया में दुनिया खत्म होने की अफवाह फैली हुई थी और इसी दौरान पोलिश कर्मचारियों ने सहारा रेगिस्तान में एक तेल फैक्ट्री में काम करते हुए एक गिरे हुए ब्रिटिश एयरक्राफ्ट को देखा। ये एयरक्राफ्ट मिट्टी के अंदर पूरी तरह से सन चुका था। जब वर्कर्स ने अथॉरिटी को बताया तब पता चला कि प्लेन का नाम था किटी हॉक P-40 और ये 70 सालों से यानी कि साल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे गिरा हुआ था। रेगिस्तान में ये कैसे संरक्षित था इस पर अब भी रिसर्च की जा रही है। जब इस प्लेन को ढूंढा गया तब इसमें से एक चीज गायब थी, वो था पायलट। माना जाता है कि पायलट ने पैराशूट से प्लेन को छोड़कर खुद को बचा लिया होगा, लेकिन रेगिस्तान के बीच में वो भूख से खुद को नहीं बचा पाया। लेकिन ये भी मिस्ट्री है कि क्या सच में पायलट भूख से मर गया या सर्वाइव कर गया। नंबर 7, रियल लाइफ मिराज। दोस्तों ये कमाल की चीज इंडोनेशिया के रेगिस्तान में चरवाहों के द्वारा खोजे जाने के बाद टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। इस झील के बारे में सबसे ज्यादा खास बात यह है कि अचानक से रातों रात निकल आई है। ये लगभग 18 मीटर गहरी है, लेकिन इस बात का अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर इतना ज्यादा पानी अचानक कहां से आया। कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि हो सकता है कि ये किसी भूकंप के कारण बन गई हो और इसमें आसपास की इंडस्ट्रीज से पानी आ गया हो। वहीं कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ये जमा हो चुका पानी बारिश का हो सकता है, लेकिन ये है क्या अब तक पता नहीं चल पाया है। नंबर 6, लॉस्ट एलियन। दोस्तों इस कंकाल को देखिए, यह कंकाल अटाकामा के रेगिस्तान में पाया गया है। 2003 में मिले इस कंकाल के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कई रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि ये कंकाल एक छोटे बच्चे का है, लेकिन दोस्तों जब इस कंकाल की हड्डियों का आंकलन किया गया तब ये पता चला कि इस कंकाल में मौजूद हड्डियां 6 से 8 साल तक के बच्चे जितनी ग्रो कर चुके हैं और ये है केवल 6 इंच का। रिसर्च करने के बाद ये भी गेस किया गया कि हो सकता है ये एक इंसानी बच्चा हो जिसे बोन की दिक्कत रही हो, लेकिन इस कंकाल में ऐसे एलिमेंट्स पाए गए हैं जो कि इंसानों में तो बिल्कुल भी नहीं होते। नंबर 5, व्हील्स ऑन द मिडल ईस्ट। ये पहिए जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर जॉर्डन से लेकर सऊदी अरब तक भरे पड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि ये कुछ दर्शा रहे हैं। ऐसा मानने की ये वजह भी है कि ये बिल्कुल सीरियल से अरेंज किए गए हैं एक पैटर्न में। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें किसी तरह का रास्ता बनाने के लिए लगाया गया हो या किसी धार्मिक विश्वास से जुड़े हों। इन पर की गई रिसर्च से ये पता चलता है कि ये तब बनाए गए थे जब पृथ्वी पर ठंड ज्यादा पड़ती थी और बारिश बहुत होती थी।
लेकिन ऐसे वक्त में इंसान शायद ही मौजूद रहा हो। दिक्कत यह भी है कि इन पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की जा रही। नंबर 4, स्टैंडिंग इन द सैंड। इजिप्ट के शहर कायरो से 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पत्थर क्या आपको कहीं देखे हुए नजर आ रहे हैं? दोस्तों, ये पत्थर इंग्लैंड के फेमस पत्थरों से मिलते हैं और ये दोनों एक ही काम करते हैं, वो है डेट दिखाने का। 1974 में जब इन्हें ढूंढा गया तब रिसर्चर्स को यहाँ कई तरह के अलग अलग मटेरियल मिले थे। इन पर काफी रिसर्च की गई लेकिन ये पता नहीं चल सका कि ये किस धर्म से जुड़े हुए हैं। पुरातत्व विभाग के माने तो ये ठीक उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पहले दो नदियों का बेसिन हुआ करता था। यहाँ कंकाल भी पाए गए लेकिन वो पूरे नहीं थे। ये किसी राजा की कब्र हो सकती है लेकिन अभी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। नंबर 3, द एम्प्टी टॉम्ब। इजिप्ट के पिरामिड पूरी तरह से भरे हुए हैं और उनमें मम्मी को रखा गया है, लेकिन प्रोफेसर केंट वीक पूरी तरह से हैरान रह गए जब उन्होंने घाटी में मौजूद इस खाली मकबरे को देखा। ये पिरामिड की ही शक्ल का है और इसमें 100 से भी ज्यादा खाली कमरे हैं। पिरामिड के अंदर की दीवार पर लगे लेखों को जब पढ़ा गया तब ये पता चला कि यहाँ पर शासकों के बच्चों का शव होना चाहिए, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं था। एक थ्योरी ये भी कहती है कि इस पिरामिड के अंदर रखे गए शव पूरी तरह से डीकम्पोज हो गए हों या उन्हें कहीं और ढूंढ लिया गया हो। सच का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। नंबर 2, स्पाइडर्स रॉक। इजिप्ट के पूर्वी रेगिस्तान में खारगा ओएसिस के पास एक रहस्य छिपा हुआ है। ये रहस्य हैं उकेरी गई ये आकृतियां। इन आकृतियों की उम्र लगभग 4000 से 6000 साल के बीच है। कोई नहीं जानता कि इन आकृतियों का मतलब क्या है। पहले तो इस पर इस तरह से रिसर्च की गई जैसे यह पिरामिड या इजिप्ट से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी देता हो, लेकिन जब रिसर्च करने वालों का ध्यान एक तरफ गया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। मिस्र के पूर्वी रेगिस्तानों का यह रहस्य मकड़ियों की तरह इशारा कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, मकड़े। जब दीवार पर बनी आकृतियों को जोड़कर या उनके अगल बगल से रेखाएं निकालकर देखने की कोशिश की गई तो ऐसा लगा जैसे वहां मकड़ियों को उकेरा गया हो। ऐसा भी माना जाता है कि ये मकड़ियां धार्मिक विश्वास से जुड़ी हुई थीं। मिस्र में मकड़ियों को राजाओं का रक्षक भी माना जाता है। इस केस में सिर्फ प्रेडिक्शंस ही किए जाते रहे हैं। नंबर 1, पिंपल ऑफ द अर्थ। सहारा रेगिस्तान वैसे तो दुनिया के किसी भी अन्य रेगिस्तान जैसा ही नजर आता है, लेकिन जब सहारा को अंतरिक्ष से देखा गया तब एक हैरान करने वाली चीज नजर आई। ये देखिए, इसे पिंपल ऑफ द अर्थ या आई ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। जब से इस आई को देखा गया है तब से इसके बारे में रिसर्च चल रही है, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि ये आई यहाँ बनी कैसे। रिसर्चर्स कहते हैं कि हो सकता है यहाँ कोई एस्ट्रॉइड गिरा हो और ये निशान बन गया हो, लेकिन एस्ट्रॉइड का भी कोई निशान मौजूद नहीं है। एक थ्योरी और सामने निकल कर आई, वो ये है कि सहारा रेगिस्तान मैग्मा के ऊपर स्थित है और पृथ्वी द्वारा मैग्मा को निष्काशित करने के लिए ही इसे प्राकृतिक तौर पर बनाया गया था। इस थ्योरी को पूरी दुनिया में अपना लिया गया है। तो दोस्तों, ये थे रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ ऐसे रहस्य जिनसे पर्दा कब उठेगा कोई नहीं जानता। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।